कितनों की तकदीर बदलनी है हमें, कितनों को ऊंचाइयों तक ले जाना है। अपने हाथों की लकीरों को यूं ना देखो मेरे यारो, इन लकीरों से बहुत आगे जाना है हमें। यह चंद लाइनें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे बंदे जिनका हेयर फॉल ज़्यादा होता है, एक बार बाल चले जाते हैं, स्कैल्प क्लियर हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा निराश होकर सोचने लगते हैं कि भाई एक बार पाल गए तो वापस आना टू सम एक्सटेंट इम्पॉसिबल होता है। भाई लोग, इसके लिए ही मैं आज आप लोग के साथ लेकर आया हूँ मेरा ही 13 मंथ्स का हेयर रिग्रोथ का रिजल्ट विद द हेल्प ऑफ मिनोक्सिडाइल वंस अ डे, फॉली हेयर वंस अ डे, प्लस डर्मा रोलर ट्वाइस अ वीक का। आज का पूरा वीडियो ज़रूर देखें, आज आप लोग के साथ मैं अपना रिजल्ट ही शेयर कर रहा हूँ। नमस्कार भाई लोग, और बहुत 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 स्वागत है आपके अपने शो स्टॉप हेयर फॉल सून में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। मैं मिनोक्सिडाइल अराउंड 5 to 6 मंथ्स तक मोरेफ 10% यूज़ किया, उसके बाद मेरे डर्मेटोलॉजिस्ट ने ही मुझे 5% को ऑप्ट करने के लिए प्रिस्क्राइब किया था, सजेशन दिया था। तो उसके लिए ही हेयर फॉर यू 5%, उसके बाद से अभी तक मैं हेयर फॉर यू 5% मिनोक्सिडाइल ही यूज़ करता हूँ। और मोरेफ के टाइम पे भी मैं वंस अ डे ही लगाता था, प्लस हेयर फॉर यू के टाइम भी अभी भी मैं वंस अ डे ही लगाता हूँ। इसके साथ मैं फॉली हेयर टैबलेट वो टाइम में अराउंड 6 मंथ्स के लिए रेगुलर वंस अ डे लेता था, मगर अराउंड 7th-8th मंथ के बाद से अराउंड 3 या 4 times a वीक ही लेता हूँ। इसके अपार्ट डर्मा रोलर ही मैं यूज़ करता हूँ फॉर अराउंड 2 times a week, नॉट मोर देन दैट। और 1 mm का डर्मा रोलर मैं यूज़ करता हूँ, और अराउंड 5 minutes के लिए डर्मा रोलिंग करने के बाद 1 घंटे के बाद अराउंड मिनोक्सिडाइल लगा के थोड़ा स्प्रेड आउट करता हूँ। यही एक प्रोसेस मैं कर रहा हूँ, और आप लोग श्योरली जो बंदे नए हैं वो शॉक्ड हो जाएंगे। मेरी अराउंड पिछले 2-3 साल पहले की ही पिक्स देखेंगे या वीडियोस देखेंगे तो उसको देख कर ही चलें, एक झलक ज़रूर देखें कि मेरी कंडीशन बिफोर ये सब लगाने के पहले कैसी थी। ये देखें वीडियो, और ये कुछ पिक्स हैं 2.5-3 साल पहले की हैं, और आप इसमें क्लियरली देख सकते हैं कि मेरी कंडीशन बालों की क्या थी। हेयरलाइन देखें, मिड स्कैल्प एरिया, बोथ टेम्पल एरिया, इवन जब बाल बड़े होते थे तो भी स्कैल्प पूरा विजिबल होता था। नो डाउट इन इट, जब ऐसी कंडीशन होती है तो कॉन्फिडेंस की क्या वॉट लगती है वो सबको मालूम है। अराउंड लास्ट मंथ ही जब मैंने 1 साल का मिनोक्सिडाइल का रिजल्ट आप लोग के साथ शेयर किया था, तो बहुत सारे नेगेटिव कमेंट आए थे कि भाई हेयर ट्रांसप्लांट यू हैव डन, एंड आफ्टर दैट बोल रहा है कि मिनोक्सिडाइल से रिजल्ट मिला है। तो भाई लोग, पहले देख लें कि मैं लंबे बालों में क्या रिजल्ट था मैंने शो किया था, उसके बाद नेगेटिव कमेंट हो चुके थे। ये वीडियो देखें, ये मेरे लंबे बालों में अभी की कंडीशन है, आप देख सकते हैं। कंपेयर करें पिछले जो बड़े बालों में भी जो स्कैल्प की कंडीशन थी, मिड स्कैल्प एरिया देखें, ये देखें धूप पे बाहर है। टेम्पल एरिया देखें, कंपेयर करें मिड स्कैल्प एरिया देखें, हेयर लाइन देखें, यही इतने ही लंबे बालों में पहले की कंडीशन, इतने ही लंबे बालों में अभी की कंडीशन, कंपेयर करें कमेंट। क्योंकि बहुत सारे नेगेटिव कमेंट आए थे, इसके लिए ही कुछ कमेंट पे आया था कि बाल छोटे करा लो एंड देन शो योर रिजल्ट, तो उसके लिए ही अराउंड अभी मुझे 1 महीना हो गया है बाल छोटे कराते हुए, और आप लोगों के रिजल्ट शेयर करने वाला हूँ, है ना भाई लोग। तो बहुत सारे जब नेगेटिव कमेंट आते हैं ना, नो डाउट इन, मुझे भी मालूम है कि संभल कर चलना है, ये इंसानों की बस्ती है, ये रब को भी आजमा लेते हैं तो अपनी क्या हस्ती है। इसके लिए ही बिकॉज ऐसे कमेंट आए थे
तो मैंने बाल को पूरा ही साफ कराया था एंड आप लोगों के साथ आज मैं लेकर आया हूँ बहुत ही छोटे बालों में रिजल्ट। ये देखें, मैं बहुत ही क्लोज लुक आप लोग को दिखा देता हूँ। ये देखें, हेयरलाइन देखें, मिड स्कैल्प एरिया देखें, ये टेंपल एरिया, लेफ्ट मिड स्कैल्प एरिया और ये क्राउन एरिया। बिकॉज बहुत सारे कमेंट आए थे कि यू हैव डन हेयर ट्रांसप्लांट, तो उसके लिए ही मैं आप लोग को साइड एरिया भी क्लियरली दिखाना चाहता हूँ, बैक साइड भी प्लस ये साइड एरिया भी देख लें। कहीं अगर एक्सट्रैक्शन होता, इवन विथ FUE से भी होता है तो एक्सट्रैक्शन दिख जाता है। अगर आपको लग रहा है कि FUT हुआ होगा तो ये देखें, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप सोच रहे हैं। इसके लिए ही मैं आज का वीडियो आप लोग के साथ लेकर आया हूँ। तो अब आते हैं कि अभी हेयर फॉल कितना होता है। भाई लोग, अराउंड मेरा अभी की कंडीशन में हेयर फॉल हार्डली 8-10 बाल गिरते हैं पर डे का मैं बोलूँ तो, यही हेयर फॉल है। खर्चा का बोला जाए कि कॉस्ट एक्सपेंस कितना आता है पर मंथ का इसका, तो मिनोक्सिडाइल बिकॉज मैं वंस अ डे ही लगाता हूँ, मिनोक्सिडाइल तो 2 महीने चल जाती है, 60 ml की बॉटल रहती है, 1 ml एक दिन लगाते हैं तो वो 2 महीने चल जाता है। अराउंड 600 का मिनोक्सिडाइल हेयर फॉर यू मिलता है। इसके साथ फॉली हेयर जो मैं आजकल थ्राइस अ वीक ही ले रहा हूँ, जो 500 रुपये का आती है जिसके अंदर 30 टैबलेट रहती हैं, तो वो भी खिसका के मैं 2 महीने कैसे ना कैसे चला ही लेता हूँ। तो 600 का भी हाफ, 3 प्लस 500 का भी हाफ, 550 अराउंड। और डर्मा रोलर मैं 2 मंथ में चला ही लेता हूँ, क्लीन कर करके उसको सलाइन वाटर से, तो वो भी मैं अराउंड 2 महीने में चला लेता हूँ, तो 300 का डर्मा रोलर आता है। तो अप्रोक्स पर मंथली का खर्चा मेरा 700 तक जाता है, ज़्यादा नहीं है, और विच वी कैन अफोर्ड अगर बालों को बनाए रखना है। क्योंकि अपार्ट फ्रॉम इट एक और क्वेश्चन भी आता है कि भाई कि क्या आपने अगर मिनोक्साइड लगाना छोड़ा तो कंडीशन वैसे ही हो जाएगी। हाँ, नो डाउट इन इट, कंडीशन बिल्कुल वैसी ही हो जाएगी, मगर इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर हेयर ट्रांसप्लांट, बहुत ही बड़े बड़े यूट्यूबर जो यूट्यूब में वीडियोस अपलोड करते हैं रेगुलरली, उनको जल्द अराउंड 1 साल के बाद अच्छा रिजल्ट आता है, लेकिन जैसे ही 2.5-3 साल तक जाता है तो फिर से स्कैल्प विजिबल होने लग जाता है, हेयर फॉल ही वापस हो जाता है। तो इसके लिए ही मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपने ट्रांसप्लांट कराया है उसके बाद भी मिनोक्सिडाइल लगाना छोड़ा है तो फिर से वही कंडीशन होने वाली है। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर ट्रांसप्लांट, बेटर है अगर grade 4 या 5 ग्रेड के बिलो है, हेयर फॉल 4-5 साल से ही हो रहा है, तो यू आर टू सम एक्सटेंट 90% यू आर गोइंग टू गेट रिजल्ट। बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर हैं जो इंस्टेंट, मैं भी उनको फॉलो करता हूँ, आपको बोलना चाहूँगा हेयर ट्रांसप्लांट नो बक --- के मोहित जी भी हैं, और जिन्होंने भी अराउंड 2.5 साल ही हुआ है उनको मैं भी फॉलो करता हूँ, नो डाउट इन इट, मगर उनका भी क्राउन एरिया अभी देखेंगे तो पूरा खाली हो चुका है, उनको फिर से ट्रांसप्लांट कराने की ज़रूरत है। अब बहुत सारे यूट्यूबर्स जो वीडियोस अपलोड करते हैं वो कब सेकंड सेशन के लिए चले जाते हैं हेयर ट्रांसप्लांट के, वो पता भी नहीं चलता है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर हेयर ट्रांसप्लांट, अगर आपका हेयर फॉल पिछले 4-5 साल से है प्लस स्कैल्प विजिबल है, तो यू शुड गिव एटलीस्ट वंस अ ट्राई टू मिनोक्सिडाइल, फॉली हेयर एंड डर्मा रोलर, जैसे मैं कर रहा हूँ।